हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हज्जन किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टमाटर और प्याज वाली भिंडी की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और कॉमन सी रेसिपी है फ्रेंड, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो चलिए फिर बनाने स्टार्ट करते हैं टमाटर और प्याज वाली भिंडी की रेसिपी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्याज और टमाटर वाली भिंडी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज काट ली है और दो टमाटर लिए हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा। भिंडी यहाँ पे मैंने 700 ग्राम ली है। इसको मैंने बहुत अच्छे से धो के सुखा के काट लिया है। ये देखिए, भिंडी को मैंने ज़्यादा बारीक नहीं काटा है, क्योंकि भिंडी अगर बारीक होती है तो उसे चलाते में बहुत जल्दी टूट जाती है। इसलिए यहाँ पर मैंने भिंडी को बिल्कुल नॉर्मल साइज़ में ही काटा है। और 6 से 7 लेंगे हरी मिर्च। कढ़ाई में हम डालेंगे यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच तेल। प्याज और टमाटर की भिंडी बनाने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने सरसों का ऑयल लिया है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज और प्याज को हल्का सा भून लेंगे। यहाँ पे प्याज का हमें ज़्यादा तेज़ कलर नहीं करना है, हल्का सा ही भूनेंगे इसको। यहाँ पर इसको अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे प्याज को। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और प्याज के साथ इसको भी अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर, और टमाटर को मैंने यहाँ पे रफली ही चॉप करा है, ज़्यादा बारीक चॉप नहीं करा है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है भिंडी का। अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च को फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ज़्यादा बारीक नहीं काटा है, मोटा मोटा ही काटा है। आप चाहें तो बारीक काट सकते हैं। 5 से 6 मैंने हरी मिर्च काट के डाल दी है इसमें। अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून लिया है, जिससे हमारे टमाटर जो है थोड़ा जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इसको हम चलाते हुए बहुत अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे भिंडी, और भिंडी को मसालों में बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। और भिंडी को भी मसाले के साथ बहुत अच्छे से चलाएंगे, सारे मसाले उसमें मिला देंगे, प्याज टमाटर और ज़ीरा। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी भिंडी बहुत ही सिंपल तरीके से और बिना मसालों के बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। भिंडी में हमने ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं, और फिर भी हमारी भिंडी बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनके तैयार होगी। अब इस भिंडी को हम कवर करके पकाएंगे, 10 से 15 मिनट के लिए ही कवर करके पकाएंगे, और बीच बीच में चेक करते रहेंगे इसको। ये देखिए, 10 से 15 मिनट हमारे हो चुके हैं और भिंडी हमारी अच्छे से गल चुकी है। और ये भिंडी हमारी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत ही अच्छी और टेस्टी रेसिपी है फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और कॉमन सी रेसिपी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। आप इसको ज़रूर बना के देखिएगा इसी तरीके से, और इसमें आपको ज़्यादा मसाले बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं। तो आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी नई नई रेसिपीज़ लाती रहती हूँ।